नमस्कार, आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट। मैं हूं आकांक्षा। अशोक नगर स्थित कानपुर जर्नलिस्ट क्लब में आज पत्रकारिता जगत के पुरोधा दैनिक जागरण के पूर्व राज्य संपादक और वेब पोर्टल बिफोर प्रिंट के संस्थापक शैलेंद्र दीक्षित की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जन्नत क्लब के अध्यक्ष ओम बाबू मिश्रा की अध्यक्षता में हुई श्रद्धांजलि सभा में शहर के वरिष्ठ पत्रकार, अधिवक्ता, विभिन्न विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोगों ने स्वर्गीय शैलेंद्र दीक्षित को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से साल 2000 में शैलेंद्र दीक्षित पटना में दैनिक जागरण को लॉन्च करने गए और वहां के रीति रिवाज से इतना घुल मिल गए कि छठ व्रत भी खुद करने लगे। बिहार की पत्रकारिता को नया आयाम देने वाले दीक्षित जी ने पटना के बाद भागलपुर, मुजफ्फरपुर, झारखंड के रांची, धनबाद, जमशेदपुर और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में जागरण को लॉन्च किया और इन जगहों पर अखबार को बेहतर स्थिति में खड़ा कर दिया। बिहार के पत्रकारिता के इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और मैं भाई कुमार त्रिपाठी जी से निवेदन करूंगा कि पत्रकारों को निर्देश करते हुए शैलेंद्र दीक्षित जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने की कृपा करें। मैं जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष, मेरे भाई वरिष्ठ पत्रकार दैनिक जागरण संपादक त्रिपाठी से निवेदन करूंगा कि वो स्वर्गीय शैलेंद्र दीक्षित जी को पुष्पांजलि अर्पित कर अपने श्रद्धांजलि अर्पित करने की कृपा करें। जिसे निवेदन करूंगा वो भी है, हम चौहान जी कृपया आ जाए। विक्की रघुवंशी अगर मेरी आवाज सुन रहे, हमारे बीच में मौजूद हुए भाई मौजूद है हमारे बीच में रोहित सक्सेना जी भी हैं। केस वही शैलेंद्र त्रिपाठी जी, शैलेंद्र दीक्षित जी को सब उनसे हमारा निरंतर बातचीत मिलना जुलना था। तमाम मीटिंगें हुई, उनकी सबसे बड़ी खूबी ये रही शख्स के अंदर शख्सियत थी जो ये कर पाए। आज कानपुर का नाम को फैलाने में जो इनका योगदान है उसको बुलाया नहीं जा सकता। इसी के लिए लोग भी जुड़े हैं, अगर जुड़े ना होते वो लोग तो कल इतनी भीड़ बाहर के शहर के पत्रकारों में, शहर के पत्रकार नहीं इकट्ठा होते, उनके पूरे देश के पत्रकार दिल्ली बम्बई और उनकी लड़ाई बहुत इस समय पीपल की पद की पत्रकारिता। मैं शैलेंद्र जी को पुनः नमन करता हूँ और अपने साथियों के साथ अभी हम लोगों का चल रहा है कि अगर हम लोग चला पाएंगे तो उनका पोर्टल चलाएंगे उसी शिद्दत से और अखबार भी निकालने का प्रयास करेंगे। चलन समीक्षा वगैरह होती है, उनकी सबसे बड़ी खूबी यही थी शैलेंद्र जी की, उन्होंने अपने ऊपर जो दबाव आता था ऊपर से कभी अपने नीचे काम करने वालों पर आने नहीं दिया और यही एक अच्छे संपादक, कुशल संपादक, कुशल नेतृत्व की पहचान होती है। जिस दौर में उन्होंने पत्रकारिता प्रारंभ की थी, हम सब जानते हैं कि पत्रकार वो अपने जिस प्रेस से जुड़ा होता है उसके मालिक के भी बहुत दबाव में काम करता है, लेकिन उस दबाव से अलग हटकर काम करना निश्चित रूप से हमेशा के लिए याद किया जाता है। एक बात और कहना चाहूंगा कि समाज के अन्य क्षेत्र भी देश में इतना प्रमुखता से कर देंगे कि लोग इसको ढूंढ के पढ़ेंगे। पालक सैनी के एक अखबार निकालना चाहते थे, उसमें उनका मन यह था कि जिस तरह की पत्रकारिता आज हो रही है इसे भी हम उजागर करेंगे कि पत्रकारिता का जो रोका जाएगा, लेकिन आदमी प्लान ही बनाता है
और उस दिन भी सुबह 8:30 बजे करने मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि 2 बजे तक ऑफिस आ जाइएगा। हमने कहा आ जाएंगे, लेकिन 1 बजे ये संयोग कहे या दुर्योग दुर्भाग्य लाजी में सारे डॉक्टर बाहर इंतजार कर रहे थे। कार्डियोलॉजी के गेट पे पहुंचते ही उन्होंने आखिरी हिस्की ले ली। अमूमन वो कहते थे कि खबर पे आप इस बात पे जाएंगे तो आपको सच्ची खबर मिलेगी, इसलिए वो चलन है और इस बात पे पहुंचने का चलन ये सैलन जी ने ही डाला। छोटी सी छोटी घटना पे पहुंच जाते थे और रिपोर्टर को बताते थे कि ये क्यों घटी हुई, कब घटी थी, किस कारण घटित हुई, इसकी वो 4 बात बताते। चलिए, 2 शब्द कहना मेरे लिए मुश्किल है। मुझे पत्रकारिता में इंट्रोड्यूस उन्होंने किया, मेरा इंटरव्यू उन्होंने लिया था, रिटन टेस्ट उन्होंने लिया था, तो 2 शब्द नहीं मैं कह पाऊंगा। फिर भी एक छोटी सी घटना मुझे याद आ रही है, वो बताता हूँ। कानपुर में एक ओशो और रजनीश का एक प्रोग्राम होना था, उसके लिए मेरे संपर्क जुड़े हुए थे उन आयोजकों से। तो उनकी इच्छा थी कि वीरेन डंगवाल जी, जो उस समय अमर उजाला के संपादक थे, कि वीरेन डंगवाल जी उसमें अध्यक्षता करें, उन्हें बतौर मुख्य अतिथि बुलाया जाए। तो मुझे जिम्मेदारी दी गई कि अमर उजाला के संपादक से मिलो जाकर। मैंने संपादक जी से पूछा कि ये अनुमति है, मैं जा सकता हूँ? बोले बिल्कुल जाओ। मैं अमर उजाला गया और वीरेन डंगवाल जी से मिला, साहित्यकार थे वीरेन डंगवाल जी। वहाँ पर जाकर मैं उनसे मिला और उनको अपना निवेदन किया और उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा आमंत्रण है आपके लिए। डंगवाल जी ने कहा कि मुझे संपादक के तौर पर मत बुलाओ, मैं नहीं आ पाऊँगा। संपादक के तौर पर अगर शहर में किसी को बुलाना है तो शैलेंद्र दीक्षित को बुलाओ, क्योंकि संपादक तो दरअसल वही है, अखबार तो वही निकाल रहे हैं। जी हाँ, आज अखबार की वो तूती बोलती थी उन दिनों पर कि कोई वो नहीं है। और मतलब पत्रकारिता का हेकड़ अंदाज, विशुद्ध हेकड़ अंदाज जिससे लोग सहमते थे, वो थे शैलेंद्र दीक्षित। और वो दौर बिल्कुल स्वर्णिम युग था हर लहजे से। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने उनके साथ काम किया। और वो गति ज़्यादा दिनों नहीं चली, क्योंकि मैं अपनी लिमिटेशंस के चलते बिहार उनके साथ नहीं जा सका। वो चाहते थे कि मैं उनके साथ पटना में जाकर नौकरी करूँ, दैनिक जागरण में, लेकिन मैं नहीं कर सका। पर मेरी पत्रकारिता, इस शहर की पत्रकारिता में उनका जो योगदान है वो अविस्मरणीय है, उसके लिए मैं हमेशा नमन रहूँगा पूरे जीवन। और याद रखूँगा कि हाँ, मुझ जैसे एक बिना बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को पत्रकार बनाया उन्होंने, और मैंने बहुत काम किया जो जिसकी वजह से, जिसका कारण सिर्फ वो। देखिए, शैलेंद्र दीक्षित जी कानपुर से पले बढ़े, आगे बढ़े, पत्रकारिता में नाम रोशन किया और देश के उच्च हस्ताक्षर थे। शैलेंद्र जी ने यहाँ जितना किया उससे अधिक बिहार और झारखंड के इंचार्ज होके किया। और अभी आपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने में सुना कि बाहर, भारत के बाहर भी पत्रकारों को उन्होंने प्रवोक किया और बढ़ाया, लंका की एक महिला का। तो शैलेंद्र भाई अपने आप में इंस्टीट्यूशन थे, वो मानवीय पक्ष को, संघर्ष को, पत्रकारिता को बड़ा महत्व देते थे, इतने विनम्र रहते थे, डाउन टू अर्थ विचार। मतलब शैलेंद्र भाई का जाना एक हस्ती का जाना है और कानपुर का और प्रदेश का और देश का नुकसान है, क्षति है। उनका ये जो चैनल बना बिफोर प्रिंट, इसमें मैं कई बार गया, मिला। मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये चैनल आगे बढ़े, और मैंने उनको साथ देने के लिए भी वायदा किया था और अभी भी मैं उस पर कायम हूँ। अगर उनके बच्चे या जो भी लोग देख रहे हैं, जैसे भाई महेश शर्मा जी हैं, कुमार भाई हैं, ये सब लोग अगर चाहेंगे तो मैं जो भी समय होगा, घंटा 2 घंटा मैनेजमेंट के एडवाइस के लिए मैं तैयार हूँ, मैं करूँगा। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, दिल बहुत भरा हुआ है। आज अशोक नगर स्थित पत्रकारिता भवन प्रेस क्लब द्वारा शैलेंद्र दीक्षित जी की शोक सभा और श्रद्धांजलि के अवसर पर हम सब लोग एकत्र हुए थे। यहाँ पे पत्रकार बंधु, अधिवक्ता और तमाम दलों के, सभी दलों के नेता लोग, समाज सेवी, व्यापारी एकत्र हुए। सभी लोगों ने दुखी भाव से शैलेंद्र दीक्षित जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके किए गए कार्यों, उनका पत्रकारिता के प्रति समर्पित भाव, उनकी ईमानदारी, उनके सरल स्वभाव की चर्चा की गई और सभी लोगों ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अपने अपने
शब्दों में अपने अपने वक्तव्य में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा जर्नलिस्ट क्लब में दो सौ देखिए शैलेंद्र जी एक बहुत बड़े पत्रकार थे और हम तो उनको उस श्रेणी में मानते हैं जो जिन्होंने एक दर्जन संपादक बनाए होंगे कम से कम। तो वो ऐसे संपादक थे जो संपादक की फैक्ट्री थे, उन्होंने ऐसे उठाकर किसी भी जर्नलिस्ट को ट्रेन किया और उसको सीधे संपादक बना दिया। तो ये कला शायद संपादक जी के अलावा और किसी में नहीं थी, इसीलिए वो संपादक जी कहे जाते थे क्योंकि वो संपादकों के संपादक थे। एक दमदार व्यक्तित्व था, एक दमदार जर्नलिस्ट थे, एक ईमानदार जर्नलिस्ट थे, धर्मों के प्रति कॉम्प्रोमाइज ना करने वाले व्यक्तित्व थे और हमारी नई जनरेशन को उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए कि जर्नलिज्म क्या है, पत्रकारिता क्या है, उसको कैसे निभाया जाता है, पत्रकारिता के तौर तरीके क्या है। ये बेहतर तरीके से शैलेंद्र जी के जीवन में अगर झांका जाए तो हर पत्रकार इसको सीख सकता है। महान पत्रकार और संपादक श्री शैलेंद्र दीक्षित को श्रद्धांजलि दी है। उनकी श्रद्धांजलि सभा में शहर से और शहर के बाहर से जो पत्रकार आए हैं उन्होंने उनके स्मरणों को याद कर बताया कि किस प्रकार शैलेंद्र दीक्षित जी ने पत्रकारिता के जगत में अपना नाम ऊंचा किया और कितने ही पत्रकार बना दिए जो आज देश विदेश में कानपुर का नाम रोशन कर रहे हैं।